वार्म हेलो टू ऑल द लर्नर्स ऑफ मैथमेटिक मैथ्स अड्डा। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स का नेक्स्ट वीडियो आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने ओपन सेट्स के बारे में पढ़ा था, उसी ओपन सेट का नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि दो ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। ओपन सेट की बात करें तो ओपन सेट क्या था, अगर आप कोई भी दो कोई भी सेट आपने लिया और अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, इसके अंदर जितने पॉइंट आ रहे हैं उसके लिए नेबरहुड है, तो इस सेट को हमने क्या बोला था, ओपन सेट बोला था। प्रीवियस वीडियोस के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू ओपन सेट्स। क्या प्रूफ करना है आपको यहाँ पे कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, उसको हम मान लेते हैं एस, इसको भी आपको क्या प्रूफ करना है, ओपन प्रूफ करना है। तो ओपन प्रूफ करने के लिए हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, किसका, इन दोनों के इंटरसेक्शन का। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है तो एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। इट मीन्स एक ऐसा है ओपन सेट है, तो ए क्या होगा, एक्स का नेबरहुड होगा। ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, और बी भी क्या हो जाएगा, नेबरहुड ऑफ, क्यों है नेबरहुड, क्योंकि ये क्या है, दोनों ओपन सेट्स हैं और ओपन सेट्स अपने हर एक पॉइंट के क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। अब अगर ए भी एक्स का नेबरहुड है और बी भी एक्स का नेबरहुड है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ये भी क्या हो जाएगा, इज नेबरहुड ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों नेबरहुड है तो उनको इंटरसेक्शन भी नेबरहुड हो जाएगा। अब आप देखिए एक्स जो है हमने एक जनरल पॉइंट लिया था, अब एक्स की जगह पे हम कोई दूसरा पॉइंट लेंगे इसका वाई, तो उसका भी नेबरहुड हो जाएगा। जेड लेंगे वो उसका भी नेबरहुड हो जाएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी के जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अगर कोई भी सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज ओपन। अब देखिए यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी मे बी फाई और मे नॉट बी फाई। हम ये पहले केस हम ये मान के चल रहे हैं कि ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो है ही। एक केस तो ये पॉसिबल है यहां पे, इस केस में हमने देखा कि ये ओपन आ रहा है। और दूसरा केस क्या है कि अगर ये इंटरसेक्शन फाई हो गया, और फाई कैसा होता है, ओपन सेट, पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो दोनों केसेस में आप देखिए कि दो ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, ओपन। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि दो ओपन सेट का यूनियन भी क्या आ रहा था, ओपन आ रहा था। तो ये मैंने दो सेट्स के लिए आपको बताया। इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ओपन होगा। मैंने यहाँ पे दो लिए हैं, आप बढ़ा के उस तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दो के इंटरसेक्शन और दो से ज़्यादा के इंटरसेक्शन में। हमने देखा कि ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हुए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन देखते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल क्या है कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ओपन। ये आपको ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। रैशनल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है, नेगेटिव में भी वो नंबर्स होते हैं, जैसे -3, -2, इस तरीके से। और फ्रैक्शन में होते हैं जो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इंटीजर्स ही हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूँ तो जैसे 1/2, 3/2 फ्रैक्शन में जितने इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ओपन और नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए 1 और 2, और इस 1 और 2 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, लेकिन इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी तो होंगे।
क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर्स भी होते हैं. तो अगर हम सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात करें तो कोई भी एक पॉइंट हम कंसिडर करें और उस पॉइंट को देखें कि वो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं है. तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक पॉइंट वन ले लूँ और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को देखूँ तो वन को कंटेन करने वाला जो भी ओपन इंटरवल मैं लूँगा उसमें इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे. और अगर इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन वाली कंडीशन मिल जा रही है. तो इसका मतलब ये है कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, और अपने हर एक पॉइंट का अगर नेबरहुड नहीं है तो इसका मतलब वो ओपन भी नहीं होगा. तो इट मीन्स द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट एन ओपन सेट. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. सिस्टमेटिक सॉल्यूशन आप इसका लिख सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है जो आपको याद रखनी है एग्जाम्स के लिए. तो द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट एन ओपन सेट. दूसरा क्वेश्चन क्या है ये भी ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि क्या कोई भी फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है. इसका सबसे इजी एग्जांपल है फाई, क्योंकि फाई क्या होता है, फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट होने के साथ साथ ये ओपन भी होता है, पहले आपको बताया हुआ है. तो यानी कि अ फाइनाइट सेट कैन बी ओपन, ओपन भी हो सकता है. और लास्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैन अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बी ओपन. नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, इसका एग्जांपल आप देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के कुछ नंबर्स मैंने ये ले लिए. क्या ये सेट ए 4 का नेबरहुड होगा? 4 को कंटेन करने वाला जो भी आप ओपन इंटरवल लेंगे, 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन, वो इस ए का सबसेट नहीं आएगा. और ए का सबसेट नहीं आएगा तो उसका मतलब ना तो ये 4 का नेबरहुड है, पहले भी हम देख चुके हैं इसको, 3 का भी नहीं है, 2 का भी नहीं है, 1 का भी नहीं है. तो इसका मतलब जो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है वो कभी भी ओपन सेट हो भी सकता है, हमेशा नहीं होगा. तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है. आज हमने इंटरसेक्शन देखा ओपन सेट्स का और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे. इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा.